सुप्रीम कोर्ट के दिए गए अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में वर्गीकरण संबंधित आदेश के विरोध में भारत बंद का असर बुधवार को मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। इंटरनेट मीडिया पर 21 अगस्त को भारत बंद की पूर्व से घोषणा के बाद सुबह से ही मुजफ्फरपुर जिले में एंट्री करने वाले सभी एनएच को जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज यानी 21 अगस्त को देश भर भारत बंद है। भारत बंद का असर सुबह से ही दिख रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाजारें बंद हैं और एनएच को जाम कर दिया गया है। एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाव संघर्ष समिति ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस भारत बंद को राजद बसपा जेएमएम और भीम आर्मी समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आज के भारत बंद का समर्थन किया है। भगवानपुर में एनएच पर भारत बंद का असर देखने को मिला। भारत बंद कराने सड़क पर उतरे आंदोलनकारियों ने नेशनल हाईवे पर टायर जलाकर सड़क को जाम किया और अपना विरोध जताया। इस दौरान दोनों तरफ वाहन खड़े रहे। बस ऑटो नहीं मिलने के कारण यात्री पैदल चलने को भी मजबूर दिखे। सड़क पर उतरे आंदोलनकारियों ने चक्का जाम किया और कुछ दुकानें भी बंद कराई गईं। भगवानपुर चौक सहित कई मुख्य चौक चौराहों को बंद करवाया। बुधवार की सुबह सड़क पर उतरे भीमसेना दलित सेना और एससी एसटी समर्थक सभी संगठनों के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते दिखे। इस दौरान सिपाही बहाली परीक्षा के परीक्षार्थियों को परेशानी देखा गया। वहीं वाहनों की भी कतार सड़क के दोनों ओर लग गई। प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के नेता कुंदन पासवान ने कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी और एसटी समाज में काफी गुस्सा है। विरोध के फैसले में हमारे समाज ने भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है, हम सबका सहयोग करते हैं, सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है, इसलिए इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। क्या असर है? असर आपको पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। असर पूरा टाइट है, मुजफ्फरपुर भी पूरा बंद है, पूरा चक्का जाम है। और हम लोगों का जो मांग है आरक्षण में वर्गीकरण और क्रिमिनल लेयर के खिलाफ आज पूरा दलित समाज सभी पार्टी से ऊपर उठकर अपने अपने हक की और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आज रोड पर है। आपको इसका असर पूरे भारत में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि आरक्षण में वर्गीकरण क्रिमिनल लेयर, ये हम लोगों को आपस में दलित समाज को आपस में हमारे भाई को हमसे लड़वाने की साजिश हो रही है। ओबीसी समाज में भी जो क्रिमिनल लेयर लाया उसका उनका आरक्षण खत्म हो गया, तो हम लोग अपना आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। सरकार पुलिस प्रशासन हम पर लाठी चलाए गोली चलाए, हम लोग रोड पर से नहीं हटेंगे। जब तक हमारे देह में खून में एक एक कतरा है खून का, तब तक हम लोग अपने अधिकार के लिए रोड पर लड़ते रहेंगे। और जो भी लोग जज बनकर जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उन शुरू से पता चला आया है कि जिनका बाप दादा जज रहेगा वही जज बनेंगे। तो हम आप लोग के माध्यम से सरकार को और सबको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम होता है उस तरीके से आप लोग जज का भी एग्जाम करवाए और सभी समाज के लोगों को मतलब मेरिट के मेरिट पे जज बनने का मौका मिला जाए। जिनके अंदर मेरिट रहेगा खुद वहाँ पर तक जाएंगे। जो मतलब और जो जज बने बैठे लोग हैं आप लोग के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों को अगर एसएससी का रेलवे का एग्जाम दे दीजिएगा तो उन लोग से एग्जाम नहीं निकलेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंदन पासवान हुआ, भीम आर्मी सदस्य मुजफ्फरपुर।